जब ये स्टार्ट किया था तब फ्रेंड्स यही कहती थी कि ये किस चीज़ में पड़ गई हो डरावनी चीज़ों में डराती रहती हो मेरा नाम रज़ान यासिन है पर मैं जानी हॉर्फिक्स के नाम से जाती हूँ और मैं एक स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट हूँ और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट एस एफ एक्स मेकअप ये आपके फ़िल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है एक एल्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है कोविड के टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एज ए हॉबी स्टार्ट किया था इसको कोई ऐसा था नहीं कि मुझे आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री में आना है या फिर मुझे एज ए प्रोफेशन ऐसे करना है आ, उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलती थी इसकी क्लासेस भी नहीं पर एक चीज़ जब मुझे इसमें अटेंशन मिल रही थी लोगों का इंटरेस्ट देख रही थी तब मुझे हुआ कि कुछ यूनिक है इसमें मैंने स्टार्ट में एक साल तक आटा यूज़ करके किया है फिर इसके बाद मुझे ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है इससे वो इफेक्ट नहीं ला पा रही फिर भी तो मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए कि अपनी स्कार वैक्स कैसे बनाओ जो बाहर मिलती है मैंने कभी यूज़ नहीं की इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आज तक 2017 में मैंने आई कि ब्लू वेल गेम जब नई नई आई थी तब मैंने सोचा सबको देख रही थी कि वो कुछ ना कुछ कट हो रहा है या फिर वो मीडिया में आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा डर है फैलावा तो मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली को भी डराती आती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना मैं वो देख रही होती थी वीडियोस जो बर्न वाला इफेक्ट था उसमें मम्मा का मेकअप यूज़ किया मम्मा को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं मम्मा का मेकअप यूज़ कर रही हूँ या क्या जब देखा तब डर गई <laughs> रोना स्टार्ट हो गई बोल रही कि कसम खाई कैसे हुआ है क्या हुआ है फिर बाद में थोड़ा से रिलैक्स हुई मैंने सब कुछ समझाया बैठ के कि नहीं ये फेक है और सिर्फ मैंने आपका मेकअप यूज़ किया है उस पर मुझे और डांट पड़ी <laughs> बाहर के मुल्क में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हुआ हुआ होता है बहुत रियलिस्टिक लगता है और वहाँ पे काफ़ी एडवांस है क्योंकि उसकी टीचिंग भी होती है उसकी प्रोडक्ट्स भी आसानी से मिलती हैं यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को मैंने ज़्यादातर अपने सारे रेफरेंस पिक्चर्स जो लोगों की इंजरीज़ हैं वो रेफरेंस पिक्चर्स देख देख के किया है बाकी इंस्टाग्राम पे आ, कुछ पेजेस मैंने फ़ॉलो किए थे उसमें वो ट्यूटोरियल्स दे रहे होते थे कि किस तरह से क्या करना है बाकी यूट्यूब है इन चीज़ों से मैंने अपना सीखा है और अपने ये स्किल्स पॉलिश किए हैं बाद में जब मुझे फिल्म्स की ऑफ़र आई और काफ़ी लोग मुझे रिकॉगनाइज़ करने लगे और सब तो तब जब मुझे फिल्म की ऑफ़र आई तब मेरी फैमिली थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई कि अकेली लड़की को ये काम में भेजने के लिए और सब तो वैसे मेरी मम्मा और सब काफ़ी सपोर्टिव थे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे मुझे कोई लाइक अगर स्टार्ट में जब वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाती थी तब मम्मा मेरी हेल्प कर रही होती थी काफ़ी स्टार्ट मैंने थीसिस से किया है थीसिस काफ़ी वो स्टूडेंट फिल्म्स की हैं इसके बाद सबसे जो पहला प्रोजेक्ट था वो सॉन्ग वीडियो थी आसिम मज़र की जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा और सबा कमर थे आ, फिर इसके बाद यंग्स रनर्स का किया है और मैंने फूड पांडा की एड की हुई है ड्रामा का किया हुआ है जिसमें जिब्रान और दूसरे एक्टर्स हैं एक बार ये हुआ था कि घर में मुझे घर में ही थी मम्मा कहीं बाहर से आई थी और मेरे हाथ पे इतनी वो पूरा ब्लीड हो रहा था मम्मा समझी मैं फेक ये डरा रही हूँ प्रैंक कर रही हूँ तो पूरा दबा दिया <laughs> स्टार्ट में इतना रियलिस्टिक नहीं था पर लोगों के लिए काफ़ी रियलिस्टिक लगता था एक बार मेरी नाखून पूरा निकल गया था और मैंने वो पिक्चर पोस्ट कर दी तो लोगों का यही रिएक्शन आता वाओ कितना अच्छा आर्ट किया मैं सो so, काफ़ी ऐसे सीन हुए हैं कि आपका कोई आर्ट नहीं भी होता ना तो लोग रियल समझ लेते हैं